Welcome to KS Academy. So आज हम बात करेंगे डेट्स ऑफ ग्राफ ट्रेवर्सिंग एल्गोरिथम। इसमें दो टाइप्स के एल्गोरिथम है, BFS एंड DFS, ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च। लिख देता हूं मैं, ठीक है, ब्रेथ फर्स्ट एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई ग्राफ है ए बी सी डी ई, ठीक है, कुछ इस वे में चल रहा है, कुछ इस वे में चल रहा है, ठीक है। होगा क्या उसकी बात करते हैं। इन BFS में सर्चिंग एल्गोरिथम हमारी चलेगी कैसे उसकी बात करें तो सबसे पहले ए लेगी, ए के नेबरहुड लेगी, दैट इज पहले बी सर्च करेगी फिर सी सर्च करेगी, ठीक है, फिर बी फिर सी, फिर इसके ब्रेथ चेक करेगी डी एंड सी, फिर ये क्या सर्च करेगी, क्या सर्च करेगी डी देन ई, ठीक है। जबकि डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या होता है, मैं अभी ये ओवरव्यू दे रहा हूं, इसके बारे में डीपली मैं अगली प्रेजेंटेशन में बताऊंगा। जबकि डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या होता है, पहले ए, ए के बाद बी, बी का अगर आगे चल रहा है डी, बी का आगे चल रहा है ई, तो ऐसे पहले बी की डेप्थ में जाएगा फिर अपने दूसरी नोड की डेप्थ में जाएगा। जबकि ब्रेथ फर्स्ट सर्च में क्या था, पहले बी देखा उसने एक नोड, फिर बाद में अपने दूसरी नोड को देखा, ठीक है, पहले उसने ब्रेथ चेक की, अपनी कनेक्टिंग नोड चेक की, नेबरिंग नोड चेक की। जबकि डेप्थ फर्स्ट सर्च में पहले एक नोड, उसकी नोड, उसकी नोड नीचे तक, ठीक है। इस वे में हमारी ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च चलती है। इनके बारे में डीपली अगली प्रेजेंटेशन में बताऊंगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन, थैंक यू। सो इस बार जो हम बात कर रहे हैं दैट्स ऑफ BFS सर्च, ठीक है, BFS, ठीक है। याद रखना कि BFS सर्च जो काम करती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ क्यू, क्यू की फॉर्म में काम करती है, क्यू, ठीक है। मतलब देखते हैं, सबसे पहला हमारा ओरिजिन में अभी कुछ नहीं है, है ना, दिस इज आवर ओरिजिन, अभी कुछ नहीं है, ऊपर है हमारी क्यू, ठीक है। सबसे पहले क्यू में क्या एंटर होगा, ऑब्वियसली बात है स्टार्टिंग पॉइंट एंटर होगा, दैट इज ए, ठीक है। ए के बाद अब क्या एंटर होगा, ए के बाद अब ओरिजिन बन गई हमारी। अब हमारा ओरिजिन में क्या है, अब हमारा ओरिजिन में क्या, पहले तो ए आया था, अब ए के बाद क्या आया हमारे पास, ए के बाद हम बी ले सकते हैं, ए के बाद हम सी भी लिख सकते हैं, ए के बाद हम डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तुम्हारी क्यू कैसे बनी है, ए के बाद बी, ए के बाद सी, ए के बाद डी। अब ऑब्वियस बात है क्यू, क्यू किस फॉर्म का होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो ए के बाद बी, तो बी के आगे चलेंगे, तो बी के बाद क्या है ई, बी के आगे ई एंड कुछ नहीं और, तो B के बाद E, ओवर ओवर। अब C पे आते हैं, C किस किस को पॉइंट कर रहे हैं, C के बाद G, हमें I पहुंचना है, A टू I हमें पहुंचना है, ठीक है। वो हम कैसे पहुंचेंगे वो देखते हैं, C के बाद हम जा रहे हैं G, है ना, सो C के बाद G, ठीक है, C के बाद G, इसके बाद और कुछ है, C और किसी को पॉइंट कर रहा है, सिर्फ G को ही कर रहा है। D के बाद क्या है, अगेन G है, D के बाद भी हमारा क्या है, G है, तो हम D को नहीं देखेंगे क्योंकि D के बाद जो G आ रहा है वो तो C से भी आ ही है, ठीक है, इसलिए हम उसको नहीं देखेंगे। अब आगे चलते हैं, A B C D हो गया, A हो गया हमारा, B हो गया हमारा, C हो गया हमारा, D हो गया, अब क्या आया, E, E आया, तो E को देखो, E किसको पॉइंट कर रहा है, F को, तो E किसको पॉइंट कर रहा है, E किसको पॉइंट कर रहा है, F को, ठीक है, और तो किसी को नहीं कर रहा। अब E के बाद क्या है, G, तो G को देखेंगे, तो G किसको पॉइंट कर रहा है, G किसको पॉइंट कर रहा है, दैट इज I को, G किसको पॉइंट कर रहा है, I को, ठीक है। हमें क्या पहुंचना है, A टू I, I आ गया फाइनल में, इधर ही रुक जाएंगे हम, आगे सर्च नहीं करेंगे। अब देखो क्या हमारी इक्वेशन बनी, I किधर से निकला, G से, है ना, G किधर से निकला, C से, है ना, C किधर से निकला, A से, सो आर
एफिशिएंट वे फॉर सर्चिंग ए टू आई, आई हमें सर्च करना था तो हमने एफिशिएंट वे क्या है, ए से हम सी में जाए, सी से जी में जाए, जी से आई में जाए, सबसे छोटा पाथ। ठीक है, क्या किया हमने, ए के बाद बी, ए टू सी, ए टू डी, फिर पहला क्या है बी, तो बी के आगे कौन कौन से आ रहे हैं, ई आ रहे हैं तो ई कर दिया हमने, उसके बाद क्या सी, तो सी के आगे क्या क्या आ रहा है जी, है ना, तो जी कर दिया, फिर डी भी जी को ही जा रहे पॉइंट हो रहा है तो इसमें हमने डी का नहीं लिखा, फिर उसके बाद ई आया तो ई किसको पॉइंट कर रहा है एफ को, ठीक है, जी आया ई के बाद जी है तो जी किसको पॉइंट कर रहा है आई को, फाइनल आंसर आ गया। इधर ही हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च रोक देंगे, इधर ही हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च रोक देंगे। ठीक है, जो हम बात करें दैट्स ऑफ डेप्थ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च स्टैक फॉर्म में काम करता है, ठीक है, स्टैक की फॉर्म में काम करता है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्यों में, डेप्थ फर्स्ट सर्च स्टैक में होता क्या है, मान लो मेरे को फाइंड करना है कि एच से कौन कौन सी नोड रीचेबल है, या ए से ले लो जिस सर से भी तुम लेना चाहो, मैं एच से करके दिखाता हूं, तुम ए से करके दिखा देना, ठीक है, सो एच से कौन कौन सी नोड रीचेबल है मैं वो पता करना चाहूंगा, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एच आया, ठीक है, वैल्यू एंटर कराई, देन हमने इसको पॉप कराया, पहले पुश कराया फिर पॉप, पॉप कराया तो एच किधर किधर जा रहा है, ई एंड आई में, ई एंड आई में जा रहा है, तो इसको पॉप करने पे हमारा आंसर एच आया, ई एंड आई, ठीक है, ई एंड आई पे जा रहे हैं, एच ई एंड आई पे जा रहा है, अब आई को हम पॉप करेंगे टॉप ऑफ द स्टैक को, पॉप किसको कराया आई को, तो अब क्या आया, ई पहले से ही है, आई अब किसको पॉइंट कर रहा है, आई किसी को नहीं पॉइंट कर रहा है, आई एफ को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, आई किसको पॉइंट कर रहा है एफ को, ठीक है, सो आई किसको पॉइंट कर रहा है एफ को, अब हमने एफ को पॉप कराया, जब एफ को पॉप कराया तो क्या आया, एफ अब देखेंगे किसको पॉइंट कर रहा है ना, सो एफ किसको पॉइंट कर रहा है, सी को पॉइंट कर रहा है एंड जी को पॉइंट कर रहा है, किस किस को पॉइंट कर रहा है, जी एंड सी दोनों को पॉइंट कर रहा है, एफ किस किस को पॉइंट कर रहा है, सी को एंड जी को, है ना, तो हम लिख लेते हैं सी एंड जी, जी को निकाल दे, पॉप करा दिया, ई रह गया सी, जी किसी को कर रहा है, जी अगेन आई को कर रहा है, आई एम कर चुके स्कैन रुक जाएगा, अब इसको पॉप करेंगे, पॉप किया तो अब क्या बचा सी, क्योंकि जी आई को कर चुका था, अब रह गया सी, सी ने वापिस किया, सी ने वापिस किया तो सी की जब करेगा तो अब सी किस पे पॉइंट कर रहा है बी की ओर, सी किसको पॉइंट कर रहा है बी की ओर, है ना, तो ई के बाद क्या है हमारा बी, ई के बाद क्या है हमारा बी, अब हम बी को पॉप कराएंगे, बी को जब पॉप कराएंगे बी किसको पॉइंट कर रहा है ई को, ई हमारा आ चुका है नहीं पहले से नीचे, तो रह गया ई, ई को पॉप करा दो, सो एच किधर किधर जा रहा है, एच जा रहा है ई आई पे, एफ पे, जी पे, सी पे, बी पे एंड ई पे, ठीक है, क्वाइट इजी, सिर्फ वैल्यू एंटर कराते जाओ एंड पॉप कराते जाओ, वैल्यू एंटर कराओ पॉप कराओ, इधर तुम सी जी भी कर लेते ना कुछ फर्क नहीं पड़ता, यहां तुम्हारा पहले जी कर लेते बाद में सी कर लेते आंसर नोट करना सेम आएगा, बहुत से बच्चे कहेंगे यार पहले जी लिख लेते बाद में सी कर लेते, वो चीज भी कर सकते हो सेम आंसर आएगा, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, करके देखना, ठीक है, सो इस वे में हमारा डेप्थ फर्स्ट सर्च चलता है, इस वे में हमारा डेप्थ फर्स्ट सर्च चलता है, आई होप सबको समझ आया होगा, सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन, किसी को कोई भी डाउट है कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन पे मैसेज कर सकते हैं, प्लस नोट्स के लिए फेसबुक पेज पे जरूर जाना, ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन, थैंक यू।